उत्तराखंड सरकार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप ने लंढोरा नगर पंचायत के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान सभी सफाई कर्मचारियों ने समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया और कहा कि 10-10 सालों से कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, अभी तक किसी भी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई है। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। लंढोरा नगर पंचायत में जो एक हमने बैठक ली है, इसमें सभी की समस्याएं, जैसे कि अपना उन्होंने किसी ने कर्मचारी ने बताया कि भाई हमारे जो है इसे ठेका प्रथा को वगैरह को इनको नहीं चलाना चाहिए, ठेके कार्य ना हो, तो उसके विषय में अभी शासन में बात भी चल रही है, तो इस पर मैं भी इनकी ओर से एक बात आगे जरूर पहुँचाने का कार्य करूँगा। बाकी अगर आज की बैठक हमने जो इस विषय पर रखी है, ये एक परिचय बैठक के रूप में, और कर्मचारियों का जैसे कि ESIC है, PF है या अन्य जैसे कि स्वास्थ्य की जांच का एक शिविर लगाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जन जागरूकता के लिए खुलकर बात हुई है। और जल्दी ही अभी मेरी बात हुई है यहाँ के जो हमारे EO जो है भारती जी, इन्होंने कहा है कि उसकी एक पूरी तरीके से जो हम उसमें इनको जांच के कराई जाएगी, हर तिमाही 3 महीने के 3-3 महीने में इनकी स्वास्थ्य की जाँच होगी, साथ ही ESIC PF के कैंप वगैरह लगाए जाएंगे। तो उप जिलाधिकारी महोदय ने भी यही हमें आश्वासन अभी सबके सामने बताया है, कर्मचारियों को भी बताया है कि इसमें वो कार्य कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें कि ESIC कैंप और PF के शिविर लगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जो आपने मुझे मौका दिया। माननीय जितने भी आयोग बनते हैं, वो आयोग के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकलकर कुछ मुआयना करते हैं, कुछ भ्रमण करते हैं, कुछ अपने कर्मचारियों की सुध-बुध लेते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई विनय प्रताप जी को, जो कि हमारे माननीय सदस्य हैं सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार के, और मुझे विश्वास है कि ये एक अच्छा कार्य करेंगे और हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी, जो भी समाज की कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ शिकायतें हैं कि हमारे लोग किस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, कहाँ पर क्या समस्या है, उन्हें अपनी चिट्ठी लिखनी भी नहीं आती, अब वो भी उसका भी प्रयास करेंगे। मैंने अपने उसमें शब्दों में कहा कि हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, सफाई कर्मचारियों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रस्तावित आज कार्यक्रम था, तो इस बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग से श्री विनय प्रताप जी द्वारा यहाँ पर बैठक ली गई, और जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों द्वारा जो भी नगर पंचायत द्वारा जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं उस पर संतोषजनक रूप से अपनी सहमति दी गई। और एक समस्या थी कि जो नियमित करने की जो सरकार की जो योजना है, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है, तो मेन मुद्दा उनका वही रहा था।